तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है फीफा में ना मैनेजर मोड खेलने का, लेकिन जब से ऑनलाइन आया था ना मेरे को ऑनलाइन में भी थोड़े मज़ा आते हैं, बट जो मैनेजर मोड का जो अलग ही मज़ा है ना वो मज़ा नहीं मिल पाता। तो उसमें मेरा मैनेजर मोड भी करियर चल रहा है, और एक नीरू नाम से जो प्लेयर मैंने बनाया, वैसे उसका निक नेम नीरू है बट असली नाम तो नीरज ही है, मतलब मैंने अपने आप को ही बनाया। तो मेरा प्लेयर कोड भी चलेगा और मैनेजर मोड भी चलेगा। तो ये एशियन इलाइट कप है जिसमें इन्विटेशनल कप होता है, जो स्टार्टिंग में ही फ्रेंडली मैच करके या प्रैक्टिस के लिए होता है। तो वो पहले मैच में हमारा एडिलेड के साथ मैच था और मेरा टीम एफसी गोवा है, तो पहले मैच में हम एक गोल से जीत गए थे, तो एक या दो गोल से जीत गए थे, दूसरा गोल शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बड़ा आसानी से गोल हो गया था, बड़ा आसानी वाला मैच था। बाकी दूसरा मैच में थोड़ी सी शायद दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हम आराम से दो गोल हमने मार ही दिए। तो यहाँ तक मेरा बिल्कुल हाथ सेट हो गया था। तो ये सामने वाली टीम, एक टीम पढ़ के आई थी, वो थोड़ा मुश्किल था। ये सीसीएम वाली तो पता नहीं कौन सी टीम थी, मेरे को ध्यान नहीं अभी। और ये मैंने भी कह रहा है मेरे को थोड़ा नया नया आना है, तो इसलिए मेरे को फिनिशिंग करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने श्योर शॉट गोल मार दो, मैंने इसके पास दी थी। तो ये 3-0 से तो हम जीत गए थे। अभी ग्रुप स्टेज के मैच चल रहे हैं, तो तीसरा वाला ग्रुप स्टेज का मैच पंगा पड़ गया था। दो मैच तो हम आसानी से जीत गए थे। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यार अगर ऐसे चलता रहे तो फाइनल जीत जाए, स्टार्टिंग में पहले कोई टूर्नामेंट जीत जाए। तो सेंट्रल कोस्ट करके टीम है, मुझे लगता है ये भी ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम होगी। तो तीसरी वाली भी जो ऑस्ट्रेलिया वाले ने हराया था मैं, और बाकी ये वाला लास्ट वाला गोल तो मैंने बहुत ही तगड़ा मारा मेरे हिसाब से, तो अभी इसमें पता चलेगा। और बाकी एफसी गोवा के मैनेज करना मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रहेगा मेरे को मैनेज करना ना एफसी गोवा। एफसी गोवा भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकती है, असल में आईएसएल की टीम है, आई लीग की टीम नहीं है। तो ये वाला गोल बड़ा भयंकर मारा था मेरे को, तो बड़ा सही लगा यार, क्योंकि इतनी दूर से चिप मारना मैंने भी सोचा नहीं था ऐसे चिप मारूंगा मैं। डिंक मारा बिल्कुल बेचारा गोलकीपर, तो बेचारा खुद तगड़ी वाली से बेइज्जती होगी। तो ये वाला मैच था थोड़ा हार्ड था, ये तीसरा मैच था पर्ट टीम के साथ, और पर्ट सही में बड़ा मैच हुआ है, और चांसेस तो मैंने काफ़ी बनाए थे। और ये वाला तो चलो फिनिशिंग में गोल हो गया था, लेकिन लास्ट में मेरे से ना मुश्किल हो गया था, लेकिन चलो कोई नहीं, पहला तो गोल ही अच्छा मारा था। और मेरे में ना स्ट्राइकर भी तगड़ा तगड़ा हो गया कि नीरू नाम का, और एक और पिच करके ये भी अच्छा खेलता है, लेकिन इनमें से एक बंदे को मेरे को ना बिठाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप को खिलाना ज़्यादा चाहता हूँ। और यहाँ शायद मेरे से गलती हो गई, और ये मेरे को इस चीज़ के लिए ना पनिश करने वाले, और तगड़ा वाला गोल कंसीड करा, वो भी लास्ट मिनट में ग्लोरी। तो इस वजह से मैच शायद पेनल्टी में गया, यही वाला मैच था क्या पेनल्टी में जो गया, मुझे लग रहा है यही वाला मैच था जो पेनल्टी में गया। हाँ ये वाला मैच पेनल्टी, मैंने मुझे भी नहीं पता था ये नॉकआउट है, तो सारे के सारे नॉकआउट थे शायद। तो नीरू ने तो गोल मार दिया, और अक्सर में पेनल्टी में हालत ख़राब हो जाती है, पेनल्टी मेरे को उतना ढंग से खेलना नहीं आता। वो तो अच्छा भाई इन्होंने गलतियाँ करी सामने वाले प्लेयर ने, एक तो पहले वाले उसने गलती करी, और मेरे को लग नहीं रहा था मैं ये वाली पेनल्टी मार दूंगा, लेकिन ये भी चलो चली गई, अच्छा वो बंदा उधर गिर गया। क्योंकि क्या ना डर लगता किनारे पे मारो तो क्या ना कभी यार बाहर भी चले जाती है। और ये धीरज नाम का गोलकीपर है जिसने ये बचाई ली, दूसरी वाली उसने बचाई ली, इसका मेरे को लग रहा था मैंने कहा इसमें थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेनल्टी चली गई थी, और ये धीरज नाम का प्लेयर है, तो ऐसा लग रहा था बचा लेगा ना बचाएगा, लेकिन सामने वाले बंदे ने ही ब्लंडर मिस्टेक कर दी, और अपन चले गए थे सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल पहुंच गए अभी है ना। तो सेमीफाइनल में भी हमारी शायद कैसा सफ़र रहा था मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, जब मैच का रिप्ले देखूंगा तब पता चलेगा। तो ये है एशियन इलाइट कप। अब है हमारा वेलनेस टीम से मैच है, एफसी गोवा, और वेलनेस ने पहला गोल मार ही दिया था। ये भी बड़ा मुश्किल गेम था, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो उन्होंने टिकने नहीं दिया अपन को, पहला गोल मार दिया था, गलती हमारी थी, वो गोल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे धीरे धीरे फिर मैंने भी ना धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करा, पहले अपना सेटअप बनाता हूँ। वो तो बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे को चांस मिल गया था, लेकिन दो बंदे को कटा के, लेकिन नहीं हो पाया, यहाँ से शॉट नहीं मर पाया। लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत प्रेशर मारा था मैंने सेकंड हाफ मैंने, क्योंकि बहुत ध्यान से खेला, एक एक पास के लिए बहुत सोचा, जैसे ये नीरू के पास भी बॉल आई, लेकिन कुछ ना कुछ गलती आ रही थी उनसे भी, क्या ना क्लियरेंस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से भी उनमें पूरा प्रेशर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये वाला अच्छा चांस मिल गया था मेरे को, और ये गलती से पैर के बीच में से गोल हो गया, तो थोड़ी सी राहत तो मिल गई थी, बट मैच सामने वाली टीम सही में सिचुएशन के हिसाब से खेल रही थी, जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने गोल मार दिया, तो ये गोल तो बढ़िया मार दिया। फिर मैंने नीरू को बिठा दिया, और ऑर्टिस ले आया, क्योंकि
अपने आप को खिलाने से बढ़िया है टीम जिताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो उस प्लेयर को मैं लिया है ऑर्टिज को, क्योंकि वो ऑर्टिज फिटनेस ज़्यादा थी, नीरू थक गया था थोड़ा। और यहाँ पता नहीं इसने कैसे गोल मार दिया, ये डिफेंडर से ना मिस होगी बॉल, और ऐसी मिस हुई कि इन्होंने बिल्कुल ही हालत ही ख़राब कर दी बिल्कुल। और ये तो मेरे हिसाब से मतलब गलत डिसीजन हुआ था, ये फालतू में पेनल्टी दे दी थी हाँ, और ये बचा सकता था धीरज लेकिन नहीं बच पाई। वैसे तो मैं उधर कूदने वाला था लेफ्ट में, बट फिर भी चलो राइट में कूद गया बंदा, क्योंकि मैं थोड़ा सा खड़ा रहा ना, थोड़ा वेट करा मैंने, फिर मैंने सोचा कि भाई अब प्रेशर मारते हैं, तो एक गोल तो शायद मैंने भी कमबैक तो करा था, अभी देखते हैं। हाँ ये कमबैक हो गया था, शायद नहीं हो पाया था कमबैक, बहुत अच्छा चांस मिल गया था, मैंने कहा आराम से मारूंगा पास दे के मारूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, वो आगे पीछे होगी बॉल थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मेरे को अंदर से अभी क्या है नया हूँ तो मेरे डर भी लग रहा था, मैं शॉट का बटन ना मार के मैं फिनिश का बटन दबा रहा था ज़्यादातर, मुझे लगा फिनिश में बिल्कुल अच्छे से जाएगा गोल, लेकिन गलती हो रही थी यहाँ पे, और दो तीन अटैक तो अच्छे मारे, ये भी गोल हो जाना चाहिए था लेकिन बच गए। और मैं प्लेयर तो जब जब मेरे को मौका मिला था तब तक मैं सब्स्टिट्यूट करे जा रहा था, जिससे कि टीम में बना रहे रिदम ना, और तब तो बाद में तो बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिल गया था, लेकिन मैंने समय ज़्यादा ले लिया क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, नहीं तो शॉट मारता ना सीधा, या तो मेरे को प्लेयर में कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर मतलब कुछ तो दिक्कत थी मेरे से ना, ये वाला मैच जीत सकते थे बट हार गए, क्योंकि हमने दो गोल कंसीड कर दिए थे एक पेनल्टी की वजह से, और ये भी अच्छा चांस मिल गया था, यहाँ मैं फिनिशिंग के चक्कर में रह गया और भाई बंदे ने ना सेव कर ही लिया, तो भाई ये मतलब ये मैच हमारे हाथ से